नमस्कार, आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। रेलवे में 5,000 से ज्यादा भर्तियों की जानकारी देने वाला विज्ञापन फेक है। रेल मंत्रालय ने ट्विटर पर यह जानकारी दी है, साथ ही लोगों से सतर्क रहने को भी कहा है। रेलवे ने कहा है कि फर्जी विज्ञापन देने वालों के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है, उन पर कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अब क्या था विज्ञापन में, ये जान लीजिए। ये विज्ञापन किसी एविस्ट्रन इन्फोटेक नाम की कंपनी की ओर से जारी हुआ। इसमें सबसे ऊपर मोटे अक्षरों में भारतीय रेल विभाग लिखा गया, फिर लिखा है एविस्ट्रन इन्फोटेक के द्वारा आउटसोर्सिंग के माध्यम से भारतीय रेल विभाग में 11 साल के लिए अनुबंध पर विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की जा रही हैं। आवेदन केवल ऑनलाइन के माध्यम से भरे जाएंगे एवं प्रत्येक नियुक्ति साक्षात्कार के आधार पर की जाएगी। विज्ञापन में बताया गया कि 18 से 40 साल तक के लोग आवेदन कर सकते हैं। खाली पदों की संख्या 5,285 बताई गई। आवेदन के लिए www.evistron.in वेबसाइट का पता दिया गया। इसके अलावा कोई और कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिया गया। वेल्डर, केबिन मैन, चपरासी, गेट मैन, कनिष्ठ सहायक, बुकिंग क्लर्क, नियंत्रक और कैंटीन सुपरवाइजर के पदों के लिए वैकेंसी बताई गई, साथ ही उनकी सैलरी का जिक्र भी किया गया। आवेदन के लिए 10 सितंबर 2020 आखिरी तारीख बताई गई। बिहार, झारखंड के अखबारों में इस फर्जी वैकेंसी के बारे में विज्ञापन दिया गया। जानकारी के अनुसार आवेदन की फीस 750 रुपए बताई गई। विज्ञापन में वेबसाइट का जो एड्रेस दिया गया है उसे अब खोलने पर एक मैसेज बना हुआ आता है। इसमें लिखा है कि सुविधाओं को ठीक करने के लिए साइट को बंद कर दिया गया है, जल्द ही वो वापस आएंगे। अब रेलवे ने क्या कहा है ये बताते हैं आपको। विज्ञापन सामने आने के बाद 9 अगस्त की रात रेलवे ने ट्वीट किया, इसमें इस भर्ती को फेक बताया। साथ ही विज्ञापन को फेक बताने वाली न्यूज की कटिंग भी पोस्ट की, साथ ही प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की ओर से बयान भी जारी किया। इसमें रेलवे ने कहा कि 8 अगस्त को एक बड़े अखबार में रेलवे में वैकेंसी के बारे में एविस्ट्रन इन्फोटेक नाम की कंपनी की विज्ञापन की सूचना मिली है। ऐसे में सभी को बताया जाता है कि रेलवे में किसी भी तरह की भर्ती भारतीय रेलवे ही करता है, किसी भी प्राइवेट एजेंसी को ये काम नहीं दिया गया है। जो विज्ञापन अखबार में छपा है वो झूठा है। रेलवे ने आगे कहा कि ये भी बताया जाता है कि ग्रुप सी और ग्रुप डी के तहत अलग अलग कैटेगरी की भर्तियों का काम भी 21 रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और 16 रेलवे रिक्रूटमेंट सेल देख रहे हैं, किसी और एजेंसी के पास ये जिम्मा नहीं है। भारतीय रेलवे में भर्तियों की जानकारी सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशंस यानी CEN के जरिए दी जाती है। ये जानकारी रोजगार समाचार और एम्प्लॉयमेंट न्यूज में छापी जाती है, साथ ही राष्ट्रीय और स्थानीय अखबारों में ये सूचना जाती है। ऑनलाइन इस सूचना को रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड और रेलवे रिक्रूटमेंट सेल पर देखा जा सकता है। रेलवे का कहना है कि फर्जी विज्ञापन के पीछे ठग गिरोह का हाथ हो सकता है। अब देखना होगा कि युवाओं से नौकरी के काम पर धोखाधड़ी करने वाले इस मामले में कितने लोग पकड़े जाते हैं। लेकिन सरकारी नौकरी को लेकर आप भी सावधान रहिए, हमेशा ऑथेंटिक सोर्स पर भरोसा करिए। तो ये खबर यहीं तक, देखने के लिए शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहते हो तो ज़रूर आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बाकी से ज़्यादा लोगों को बताएं, शेयर करें और देश दुनिया की और खबरों के लिए आप लल्लन टॉप के साथ रहें। शुक्रिया।